नेशनल मुल्तान के लाइव स्टूडियो से मैं हूं महाजुबी आबेद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज उम्मीद करती हूं कि आप जितने भी लोग इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन नेशनल मुल्तान की स्क्रीन को देख रहे हैं वो ठीक ठाक होंगे खे खरीद से होंगे आपका ये वीक अच्छा गुजरा होगा आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे और ये साल आपका अच्छा गुजर रहा होगा प्रोग्राम समाज में हम बात करते हैं बदलते वक्त के साथ साथ जो चीजें बदल रही हैं जो हमारी रवायात बदल रही हैं उनके बारे में कुछ मसाइल के बारे में और उनके हल के बारे में हर एपिसोड में हम कुछ नए मौजू को टच करते हैं और उस मौजू से रिलेटेड कुछ एक्सपर्ट्स को अपने प्रोग्राम में अपने स्टूडियो में मधु करते हैं ताकि हम बेहतरी की एक छोटी सी वजह बन सकें और इम्प्रूवमेंट में अपना किरदार अदा कर सकें आज का प्रोग्राम बहुत एक हेल्दी डिस्कशन पर मबनी एक प्रोग्राम होने जा रहा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एलिमेंट के बारे में के जो कि एक कलीदी किरदार अदा करता है हमारी समाजी और मुल्क की तरक्की में आप जान गए होंगे मैं बात कर रही हूं तालीम के बारे में जो कि नो डाउट एक ऐसा एलिमेंट है हमारे सोसाइटी का हमारी जिंदगी का जिसके बगैर कोई जिंदगी नहीं है यह सच भी है और ऐसा मैं समझती भी हूं और यह भी समझती हूं कि जो मसाइल इससे जुड़े हुए हैं उन, उन पर बात करने की भी जरूरत है और अपनी डेली रूटीन में उन पर नॉर्मली भी बात करने की जरूरत है इससे रिलेवेंट जो हमने मेहमान में, में, हम में, तो में कोई चौवन फीसद है शराब ख्वानदगी और पंजाब में सड़सठ फीसद है। सिंध में इकसठ फीसद है और खैबर पख्तूनख्वा में पचपन फीसद है लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं एक और पॉइंट यहां पर ऐड करती चलू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये है कि अगर हम साल 2023 की बात करें यानी गुजशत साल की बात करें तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है कुछ लोगों के लिए दिस वुड बी ए वेरी पॉजिटिव थिंग लेकिन दूसरी साइड की बात करें तो इट इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन ऑल्सो कि 2023 में कोई आठ लाख साठ हजार पाकिस्तानी नौजवान रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क गए इस पर हम बात करेंगे डॉट्स कनेक्ट करेंगे जो हमारे मेहमान हैं पहले उनका तारुफ करते चले हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान वाइस चांसलर एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान सर कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ खैरियत से हैं तबीयत से ठीक है आपकी बिल्कुल हैप्पी हैप्पी चले यह तो बहुत अच्छी बात है आजकल के दौर में वैसे हैप्पी रहना मुश्किल है लेकिन ये अच्छी बात है कि हम अपने आप को जो इम्प्रूव करते हैं पैदा हुए हैं हैप्पी रहने के लिए और हैप्पी रहेंगे तो अल्लाह ताला के पास जाएंगे फिर वो खुश होंगे फिर हम जन्नत में वापस चले जाएंगे वेरी ब्यूटीफुल अप्रोच हमारे दूसरे मेहमान जावद इकबाल साहब चेयरमैन ब्रिटेन ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस सर थैंक यू सो मच कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं हूं. Like better, ये ठीक है हमारे तीसरे मेहमान हैं उनकी जाने बढ़ते हैं सईद बुजदार डीन फैकल्टी ऑफ फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसिस इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर गुजा चौबीस साल से इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साथ वास्तगी है इनकी कैसे हैं शुक्र एंड ऑल्सो इज दम्बर ऑफ एच ई सी क्वालिटी रीअश्योरेंस रिव्यू टीम हमारी आज की डिस्कशन बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि हम तालीम पर बात करने जा रहे हैं और ख़ासकर हम इस पहलू को टच करेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस तरीके के मसाइल हैं उन मसायल का हल क्या है इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है जो निज़ाम तलीम है उसको इतना बेहतर कैसे करें कि हमारे नौजवानों को अनएम्प्लॉयमेंट जैसा जो एक नासूर है उससे ना गुजरना पड़े हम प्रोफेसर डॉ मोहम्मद रमज़ान से अपनी गुफ्तु का आगाज़ करते हैं सर सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम को अगर वो कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद करना हो तो आप अपने जो जर्नी है जो आपका सफर रहा है इस तालीमी जो आपका सफर है उसके हवाले से आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे हमारे बहुत अच्छा system है सिस्टम बहुत अच्छा है बहुत खूबसूरत है पैगम्बराना काम है अल्लाह और के रसूल को पसंद है देखिए दो चीज़ें हैं कि हम बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों भेजते हैं पेरेंट्स वो इसलिए भेजते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं वो उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी वो उन्हें नहीं सिखा सकते तो एक ऐसा काम कर दिया कि जो अदारे हैं उन्होंने कहा है कि एक स्कूल बना लेते हैं जहाँ ये बच्चे चले जाएं फिर उसके बाद उन उस अगला लेवल है वहां पे हाई स्कूल आ गए फिर कॉलेज आ गए फिर यूनिवर्सिटी आ गई फिर ये वहां आते हैं एक इनपुट हो गई और फिर वहां आते हैं वहां ये कुछ अरसा गुजारते हैं दो साल गुजारते हैं चार साल गुजारते हैं उसके बाद फिर आउटपुट है कि ये यहाँ से जब निकलते हैं तो क्या करते हैं तो वो जो पर्पज़ है पर्पज जब आप मैं आप यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं तो यूनिवर्सिटी में मां बाप इसलिए भेजते हैं कि हमारे बच्चों को इसके हलाल कमाना आ जाए और फिर वो और अच्छे इंसान बन जाए इसके अलावा और कोई पर्पज़ नहीं होता उनका बच्चों का ज़ाती पर्पज ये होता है कि उनकी जिंदगी के वो खूबसूरत साल होते हैं वो उसको इंजॉय करना चाहते हैं उसमें वो सीखना भी चाहते हैं अपना किरदार जो है ना वो इस तरह का बनाना चाहते हैं कि उनको सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल भी आ जाए जो दुनिया में इस वक्त तब्दीली आ चुकी है वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वह फिफ्थ जनरेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है जो डिजिटल एजुकेशन के ऊपर है और डिजिटल आपकी जो करैक्टर बिल्डिंग है वो भी सारी इस चीज़ से होती है फिर जितनी इन्वेंशन आती हैं ये फौज की वजह से आती हैं जो फौजें जंग लड़ती हैं इनोवेशन करती हैं तो बड़ी बड़ी इनोवेशन उसकी वजह से आती हैं इस जो हो चुका हुआ है वो ये है पिछले साल का मेरा जो मोटो था वो ये था कि एवरी ग्रेजुएट एबल टू अर्न अब बदल गया जी। जमाना बदल गया जमाना मैंने उन्हें स्टार्ट अर्निंग राइट नो अब आज का जो बच्चा है जो आठ साल तक का नहीं आठ साल का जो बच्चा है वो आगे हैंड ऑन कर सकता है बिल्कुल उसको हमें जो सिखाना है वो ऐसे सिखाना है कि वो बाद में नहीं कि, मसलन, आप चार साल पढ़ने के बाद नहीं आप करेंगे साथ ही साथ आप सिखाना शुरू कर दें पाकिस्तान में अगर कोई इस वक्त रेवेन्यू आ रहा है जो कि डॉलर्स आ रहे हैं तो वो हमारे फ्री लेके आ रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है और हमारे जो गेम डिज़ाइनर्स हैं वो दुनिया में इससे नंबर वन पे हैं ये एक हकीकत है कि हम इसको जुटला नहीं सकते उनके लिए लेकर सोशल इशूज़ हैं वो उनको रात को काम करना पड़ता है पूरी दुनिया के साथ करना पड़ता है तो हमें भी अपने आप को चेंज करना है उस लिहाज से जो यूनिवर्सिटियाँ हैं पहले होती थी, थी प्रेपरेटरी प्लेसेज कि हम बच्चों को तैयार करते थे एक मकसद के लिए अब ये हो होगी प्रोडक्टिव प्लेसेज कि नहीं अब जहां से वो लेके जाएंगे ऑन टेक्निकल जो है ना वो चीजें लेके जाएंगे तो उसी तरीके से जो अब तब्दीलियां आ चुकी हुई हैं और आ भी रही हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया है जब मुझे पहले उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उसमें ज्यादा ना बहुत सीनियर लोग होते हैं वो बहुत नेक होते हैं लेकिन वो जदीद तकाजों को नहीं समझते आज जैसे मैंने बताया कि इस साल की आज ये जो मेरे दोस्त भी शाम बैठे हैं ये कहेंगे कि आज की भी कोई इनोवेशन हो गई है हाँ जी। तो वो जो नए लोग हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो जो इनोवेटर होते जो हैं, हैं वो बता सकते हैं ठीक है रेगुलेटरी बॉडीज जो है ना वो पुराने लोगों पे होंगी तो वो पुराने स्टैंडर्ड ही अडॉप्ट करेंगे फिर टीचिंग आज की जो मॉडर्न टीचिंग मैथालोजी है वो क्लासरूम मॉडल है एक्सपीरियंशियल लर्निंग है तो जो है ना वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो चुकी हुई है यानी होनी नहीं हो चुकी हुई है तो जो लोग इस तरह की सोच रखने वाले आएंगे टीचर्स भी ऐसे आएंगे तो वो जो बच्चे हैं वो तैयार होके जाएंगे और वो फिर वो मुआशरे का एक कार आमद रुकन साबित होंगे बिल्कुल देखिए जब आपके घर में कहते हैं

और मैं एजुकेशन से और टीचर से फेडअप था लेकिन सडनली अलहमदिल्ला वन बेस्ट टीचर केम एम इन टू माई लाइफ उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया तो उसके बाद से मैंने सोचना शुरू किया कि आई वुड बी अ टीचर बाय द गेस माई टी एम अ टीचर बाय चॉइस मैं बाय चॉइस टीचर बना हूँ बाय चॉइस फील्ड में आया हूँ और अलहमदुल्ला इस फील्ड में आने के बाद जो मुझे मेरे टीचर की तरफ से नहीं मिल सका मैं अपने बच्चों को देने के अटैम्प्ट कर रहा हूँ बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के थ्री मेन ऑब्जेक्टिव हैं नंबर वन इंसान को अच्छे इंसान बनाना मेन करेक्टर बिल्डिंग करना नंबर टू इंसान को लाइफ स्किल देना जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में बच्चों को रिक्वायर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है डिसीजन मेकिंग क्या है क्रिटिकल थिंकिंग क्या है क्रिएटिविटी क्या है कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कोलेबोरेशन प्लानिंग मैनेजमेंट चैलेंज अटेनर ये सब वो खूबियाँ हैं लाइफ स्किल्स जो बच्चों को देना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है थर्ड जो थिंग है अपनी skill, अपनी डेलीवेंट फील्ड के अंदर तो उसको स्किल्ड करना इतना स्किल्ड कर दिया जाए कि जब वो मार्केट में जाए तो उसको जॉब के प्रॉब्लम ना हो वो अर्निंग हैंड बन सके ये तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं जो किसी भी एजुकेशन सिस्टम के होने चाहिए और हमारे सिस्टम के अंदर भी ये चीज़ें आनी चाहिए अप टू सम है कहीं पर हैं कहीं पर नहीं है मिक्स एंड मैच चल रहा है हंड आइडियल सिचुएशन नहीं है लेकिन अलहमद अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनको अच्छा काम करना चाहिए मैं अपनी बात करूँ तो मेरा स्टार्ट start, स्टार्टिंग जो करियर का स्टार्ट था वो अच्छा नहीं था लेकिन after that, टीचर की जिंदगी के बाद मैं I'm enjoy my time, ये बहुत अच्छी बात है। आ, बात है आपसे करेंगे आप पिछले 24 सालों से 24 बरस से आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साथ एसोसिएटेड हैं करियर काउंसलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे नौजवानों की करियर काउंसलिंग देखिए आपने जो बुनियादी सवाल शुरू में भी कहा था कि इतने लोग मैं 24 साल से जो यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट में हैं कि हम यूनिवर्सिटी इसलिए जा रहे हैं कि डिग्री लेने के बाद फ़ौर ही हमें कोई जॉब मिल जाएगी जी देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो एक पाँचवा बड़ा मुल्क है दुनिया का आबादी के लिहाज से टू मिलियन हमारी पापुलेशन है हम और हमारी जो मेजर पॉपुलेशन ब्रैकेट है वो यंग पीपल दे आर शुड बी इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं कि उसको जॉब फ़ौर मिल जाए हर हाल में उसको होना चाहिए उसकी वजह यह है कि हम इंसान अशरफ मखलूक हैं, अशरफ मखलूक होने के बहुत तकाजे हैं हमने सोसाइटी का हिस्सा बनाना है एक बड़ी मशहूर इंटरप्रोर खातून जिसने दुनिया में पहली बार ऑनलाइन का शुरू किया था रॉबिन चेज उसने कहा था कि हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि हम इस माशरे को वो बनाने में अपना हिस्सा डालें जो हम माशरा देखना चाहते हैं हम इस दुनिया को वो बनाने की कोशिश में सब लोग लगें जिस तरह हम इस दुनिया को देखना चाहते हैं अब इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए हर बंदे का एक रोल है आप यूनिवर्सिटी में आने के बाद जब आपकी यूनिवर्सिटी की तालीम को मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा एक है जो हमारी अंडर ग्रेड है जो कि 16 साल की तालीम दूसरी हमारी पोस्ट ग्रेजुएट है जो okay. हमारी पोस्ट ग्रेजुएट जो एम और पी आती है अंडर ग्रेड तक हर बच्चा आए किसी को जॉब चाहिए तो उसको जॉब भी मिल सकती है लेकिन हर कोई जॉब नहीं करता बल्कि जॉब क्रिएट करने के काबिल भी होता है जो अलामा इकबाल का शेर है कि तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया वरना गुलशन में इलाज तंगी दामा भी था हमारे पास हैं स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के दो पीएचडी स्टूडेंट्स ने पी एच पीएचडी के दौरान गूगल बनाया पीएचडी उन्होंने छोड़ दी गूगल कंपनी की बुनियाद रखी डेढ़ लाख लोगों को जॉब दिया हमारे पास एग्जाम्पल है सैम वाल्टन की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी आज कंपनी जो है वो वालमार्ट है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से और रेवेन्यू के हिसाब से 611 बिलियन डॉलर रेवेन्यू वो उनका है और तेईस लाख 2.3 मिलियन पीपल डूइंग जॉब इन द वाल मार्ट जिनके 5000 प्लस स्टोर्स हैं उसने यूनिवर्सिटी में इस आइडिया को पिक किया था जेफ बेजोस ने अमेजोन इस्टेब्लिश किया यूनिवर्सिटी तालीम के दौरान जब उसने देखा उस दौर में उन्नीस में जब उसने नोट किया कि दुनिया में इंटरनेट बड़ी तेजी से आ रहा है और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो ट्वेंटी थ्री हंड्रेड परसेंट पर ईयर ग्रो कर रही हैं उसने फौरन फॉरन जावेद साहब ने जैसे अडोप्टेबिलिटी लीडरशिप ये सारी क्वालिटीज है वहां से एक चीज एक टीचर आपको क्लिक करवाएगा और आपको एक ऐसे रास्ते पर डाल देगा ना सिर्फ आप अपनी जॉब के लिए बेफिक्र हो जाओगे बल्कि आप अपने से जुड़े बहुत सारे लोगों के लिए जॉब का बायस बन सकते हो तो अंडर ग्रेड एजुकेशन है वो हर बच्चे को करना चाहिए ताकि वो आजकल एक कंसेप्ट है कि बच्चे को यूनिवर्सिटी क्यों भेज रहा हो कोई जॉब करवा लें बिजनेस करवा लें बिजनेस जरूर करवाएं लेकिन यूनिवर्सिटी से गुजार के करवाएं ताकि वो लीडरशिप सीखे वो डिसीजन मेकिंग सीखे वो टॉलरेंट सीखे वो अडाप्टेबिलिटी सीखे वो बदलते हुए हालात को समझे और दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से और ऐसे टीचर से अब मुल्तान में एक स्टूडेंट पढ़ता है वो बाहर बाहर के मुल्क तो नहीं गया लेकिन उनका ऐसे टीचर से वास्ता पढ़ा जिन्होंने दुनिया देखी हुई है तो वो एक्सपोजर थोड़ा बहुत उसके अंदर इंडक्ट हो जाएगा और उसको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे बिल्कुल अच्छा दूसरा सवाल उठता है कि अगर बिजनेस ही करना है फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्यों पढ़े वो बायोलॉजी में क्यों पढ़े वो जाके मैनेजमेंट हाँ। साइंस में पढ़े हर सब्जेक्ट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं मैं अगेन एग्जाम्पल दूंगा मिसाल के तौर पर इस वक्त एशिया का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन या सबसे अमीर तरीन आदमी इंडिया का मुकेश जी। अंबानी जी। वो केमिकल इंस्टीट्यूट इंडिया में पढ़ा और उसने केमिकल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनाई रिलायंस टेक्नोलॉजी

आज की दुनिया कल की दुनिया से बेहतर हो आने वाला कल आज की दुनिया से बेहतर हो ये ये वो जिम्मेदारी है तो इसलिए हमें हम कन्विंस नहीं कर पा रहे इज गैप यूनिवर्सिटी हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में टू फिफ्टी मिलियन हमारी पॉपुलेशन है आज बच्चे यूनिवर्सिटी में आ नहीं रहे हम उनको ये नहीं बता पा रहे नहीं कन्विंस कर पा रहे कि आपका मुस्तबिल यहां से जुड़ा हुआ है ये वाली तालीम आप लेंगे तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे ये आपके पैसों का वेस्टेज नहीं है कुछ बच्चे कहते हैं फीस महंगी है हम नहीं पढ़ सकते दुनिया के हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट साथ साथ कोई ना कोई काम भी करता है और अप, है, अपने एक्सपेंसिस कर लेता है उनको हमें कन्वेंस करना पड़ेगा पेरेंट्स को भी कन्वेंस करना पड़ेगा वो अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट को चेंज करें कि बच्चे को जबरदस्ती नंबर के गेम में डाला हुआ है इतने नंबर लेना है तुमने तो डॉक्टर बनना है हाँ, उनको खुश हाँ। रहना सिखाया डॉक्टर साहब ने जो कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो खुश है जो लाइवली है जो एक्टिव है जो डायनामिक है

Happened, मैं मेडिकल चूज़ किया एंड देन गॉड व्हाट और इस मीडिया की फील्ड में आ गई तो उसमें एक किरदार वो भी था कि मेरे मार्क्स इतने नहीं थे या इतने कम थे तो आई डिसाइडेड दिस वे तो ये ये वाला जो मरला है ये बहुत क्रूशल है आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है स्कूल के टाइम पे और कॉलेज के टाइम पे कि आप इसमें वालदे का कितना किरदार है इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेगी और इसमें टीचर्स का कितना किरदार है देखिए करियर काउंसलिंग का असल टाइम ही स्कूलिंग है और कॉलेजेज है मैट्रिक ओ लेवल इंटरमीडिएट ए लेवल यहाँ पर बच्चों की करियर काउंसलिंग हो जानी चाहिए और सबसे जो आपने बात की शुरू में कि एठ लाख के, के करीब लोग इस साल पाकिस्तान से बाहर चले गए पीछे दस साल के अगर एवरेज ली तो साढ़े छः साल साढ़े छः लाख पर एनम है ये इस साल वो साढ़े छः लाख से जंप करके एट लाख पे चले गए हैं इस साल कुछ ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तान के इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी उस वजह से ये हुआ है तो बेसिकली उस पर सबसे बड़ी वजह क्या है सबसे बड़ी वजह करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से बच्चों को ये पता ही नहीं चलता सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है उनकी वीकनेसेस क्या हैं उन्हें 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 करना क्या चाहिए उनका क्या डेस्टिनेशन होना चाहिए वो कहाँ जाद, अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे बच्चे को ये पता नहीं होगा मेरी स्ट्रेंथ ये है हर इंसान डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ इंसान इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ सही। अब हम लोगों ने ये समझा हुआ है हमारे में स्पेशली छोटे जो शहर है वहाँ पर कि डॉक्टर बन जाना ही कामयाबी है जबकि मेडिकल से रिलेटेड बीसी और फील्ड आ चुकी हैं अगर ये एक अब साढ़े तीन लाख बच्चा पियर होता है एमडी कैट में और चंद हजार सीट्स होती हैं लिमिटेड सीट्स होती हैं बाकी वो जो पौने तीन लाख के करीब बच्चा है वो कहा जाएगा वो कहा जाएगा उनके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है लेकिन करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से वो फिर क्या करते हैं वो किसी भी रॉन्ग डिग्री प्रोग्राम की तरफ चले जाते हैं और उसकी वजह से वो जो नहीं कर, करना चाह रहे होते वो कर लेते हैं जब उनसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि आपने ये डिग्री क्यों ली वो कहते हैं हमें वहाँ एडमिशन नहीं मिला तो हमने तो हम ये, ये कर ये लिया जब वो ये करते हैं तो आगे जाके बंद गली में खड़े हो जाते हैं फिर फ्रस्ट्रेशन आती है जब फ्रस्ट्रेशन आती है तो फिर वो देखते हैं कि अच्छा यार बाहर चले जाए हाँ। शायद बाहर बहुत अच्छी दुनिया है लेकिन इतनी आइडियल दुनिया नहीं है बाहर जो लोग बाहर गए हैं उन्हें उनसे, उनसे पूछें उनसे पूछें, पूछें। कि बाहर जाके वो क्या करते हैं वो डिलीवरी होम डिलीवरी का, का काम करते हैं पंप पे खड़े होते हैं पेट्रोल डालते हैं वो ऐसी छोटी छोटी बर्तन धो रहे होते हैं ऐसे छोटे छोटे जॉब्स कर रहे होते हैं जो इसका वो यहाँ तवर नहीं है अगर यहाँ भी ब्बुल वतनी के साथ मेहनत के साथ हम लगन के साथ अपने प्रोफेशन के साथ हम लॉयल हो जाएं और मेहनत करें तो हम यहाँ पर भी अच्छा अन्न कर सकते हैं हम अपने बच, अपना फ्यूचर यहाँ ब्राइट कर सकते हैं अभी डॉक्टर साहब ने मिसाल दी कि उन्होंने डेढ़ लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट दी मैं जावेद इकबाल अलहमदुल्ला मैंने डेढ़ हजार लोगों का एम्प्लॉयमेंट दी देने का जरिए बनाऊँ अलहमदिल्ला पंद्रह सौ लोग मेरी टीम का हिस्सा हैं इट मीनस इट्स पॉसिबल और इट इट्स नॉट अ इजी जर्नी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी मैं अगर अपनी जर्नी को रिकॉल करूं तो मुझे लगता है कि ये इम्पोसिबल था लेकिन अल्लाह रहमान रहीम आसान कर देता है अगर आपकी इंटेंट अच्छी है जब आप, आप हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते हैं और लोगों की दुआएं लेना जानते हैं अपने बिहेवियर के जरिए से तो नामुमकिन चीजें मुमकिन हो जाती हैं बेटा बिल्कुल सही अच्छा जावेद साहब अभी आपने मेडिकल से रिलेटेड कुछ फील्ड्स का जिक्र किया है तो कुछ इफ यू कैन नेम देम ताकि उनको भी जो देखने वाले उनको क्लियर हो जाए कि जो बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं देखिए अभी तो अभी आर लेट्स सपोज के एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता बीडीएस का प्रोग्राम है न्यूट्रिशनिस्ट का प्रोग्राम है आप फिजियोथेरेपी हाँ। की तरफ जा सकते हैं आप लेबॉट्रीज में इतनी फील्ड्स आ गई हैं वहाँ पर उनके बहुत सारे यानी कि एडवांटेजेस हैं बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी आ गई है तो बहुत सारे ऐसे नेम्स सा, हैं वो डॉक्टर साहब मुझसे ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि उनकी फ़ील्ड है लेकिन मैनी अदर फील्ड्स आर दियर इन साइंसिस नाउ तो इसलिए बच्चे का ये माइंड कर देना शुरू से मैं आ, मैं बच्चों के गाइड करता हूँ कि आपने प्लान ए लेकर नहीं चलना आपके पास ए बी सी प्लान होने चाहिए ऑप्शन होनी चाहिए क्या नंबर वन ये है मैं इसको स्ट्राइक करूंगा हाँ। इसको हिट करूंगा इस डेस्टिनेशन को अचीव करने की कोशिश करूंगा अगर ये ना हो सका तो दूसरा प्लान भी होना चाहिए तीसरा प्लान भी होना चाहिए तो ये ये प्लान जब हमारे पास होंगे तो हम बंद गली में नहीं जाएंगे बिल्कुल सही डॉक्टर मोहम्मद रमजान आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी हम करियर काउंसलिंग से हमने अपनी डिस्कशन का आगाज किया है तो आप क्या समझते हैं कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हम यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पे आप क्या समझते हैं कि करियर काउंसलिंग का कोई डेस्क इम्पोर्टेंट है होना चाहिए जिस तरह पूरी दुनिया में होता है देखें जो बच्चा है ना उसकी साइकी ये है कि जब वो आठ साल की एज का होता है तो तकरीबन वो डिटरमिन कर लेता है कि उसने किस लेवल पे जाना है अब आठ साल तक वो बच्चा रहता कहाँ पे वो पेरेंट्स के पास रहता है और प्राइमरी स्कूल में वो जाता है बिल्कुल उसके बाद उसका जो सबसे बेहतरीन उसका जो काउंसलर होता है वो उसके कलीग होते हैं जो है। पीयर्स होते हैं जिनके साथ वो बैठ के पढ़ती है या पढ़ता है बिल्कुल जब यूनिवर्सिटी की सतह पे आ जाते हैं तो वो एक लेवल की एजुकेशन ले आते हैं बिल्कुल जो मैं जो इस वक्त जो दुनिया में स्टडी हो चुकी हुई है वो ये है कि जब वो ट्वेल्व ईयरस एजुकेशन ले लेते हैं तो आज के बच्चे को लेक्चर की ज़रूरत नहीं है वो किताब खुद पढ़ सकते हैं ऐसा वो है। किताब को समझ भी सकते हैं और कॉम्प्रीहेंड भी कर सकते हैं अब आज किस चीज़ की ज़रूरत है आज इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनके जो बेस्ट ब्रेन होते हैं उनको हम यूटिलाइज करें अच्छा अब उनको यूटिलाइज करने के फिर तरीके हैं ना जैसे मैंने कहा फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल इंप्लीमेंट हो चुका है वो ये है कि बच्चों को जो टीचर है वो गाइडेंस दे देता है कि आपने ये चीज जो है ना वो पढ़ के आनी है जब वो बच्चे पढ़ के आते हैं तो फिर क्लासरूम में क्या होता है क्लासरूम में वो जो फिफ्टी या फोर्टी बेस्ट ब्रेन होते हैं वो डिस्कशन करते हैं और टीचर कहते हैं हम क्या करें मैंने कहा आपने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देना वो सवाल करते हैं तो उनको इनकरेज करें गलत भी सवाल है तो सुन लें उनको दे नीड एम्पथी और उसका जवाब उनके पीए से लें और उसमें भी एक सवाल का एक जवाब नहीं होता उसके कई जवाब हो सकते हैं क्योंकि सिचुएशन जो है ना वो डिफरेंट होती है तो उनमें जो एबिलिटी पैदा करना है टू क्रिटिकली थिंक और मेक डिसीजन इन देयर ओन लाइफ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में जब आते हैं तो कैरियर काउंसलिंग होती है कि नहीं होती अब बच्चा जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आता है तो उसका जो सबसे पहला उसका गाइड होता है उसके पेरेंट्स होते हैं ऐसा ही है। अगर पेरेंट्स नहीं है तो फिर उसके कलीग होते हैं कलीग नहीं है तो फिर वो यूनिवर्सिटी में आता है एक माइंड सेट आमतौर पर लोग बना के आते हैं फिर एक ट्रेंड चल रहा होता है कि आजकल जनाब किस में ज्यादा जॉब मिल रही है जी आई में जॉब मिल रही है जी आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में जॉब मिल रही है जी ये बायोटेक्नोलॉजी में जॉब मिल रही है मेडिकल में जॉब मिल रही है ये चीज अब जो करियर काउंसलिंग है वो एक इनिशियल लेवल की है उनको बताने के लिए कि हमारे पास ये ये ऑप्शन हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप इसमें आ जाएं तो वो जो यूनिवर्सिटी के जो लोग होते हैं वो भी बायसड होते हैं मेरी यूनिवर्सिटी के लोग भी बायस होंगे वो कहेंगे ये बच्चा कहीं ना कहीं मेरे पास एडमिशन ले ले हाँ। लेकिन जो असल में उसकी काउंसलिंग होगी वो जब उसका एडमिशन हो जाएगा तो हम स्टूडेंट एडवाइजर बनाते हैं हाँ जी, हर बच्चे का एक स्टूडेंट एडवाइजर होती है या होता है वो उसके जो डेली रूटीन के मैटर्स होते हैं वो भी उनके वो हेल्प करते हैं और मैं आपको एक बात बताऊँ कि पढ़ने के अलावा पढ़ना सिर्फ ये नहीं कि किताब से पढ़ना है ये जो विजडम होता है ना विजडम कहाँ से आता है आपको बुक से इलम मिलता है लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है जो एक टीचर ने चालीस साल पचास साल गुजारे होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता है उनके साथ इंडस्ट्री के लोग भी आते हैं वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम फिर उन्हें इंडस्ट्री में भी लेके जाते हैं जी। जब ये जो इल्म और तजर्बा मिलता है तो फिर हम इसको कहते हैं नॉलेज जब ये नॉलेज जो है ना वो यूटिलाइज हो हो के फिर हम कहते हैं विजडम तो ये इंसानों में आती है जो आप बात कर रही हैं जो बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो अच्छा हुआ जा रहे हैं वो जाएंगे तो वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे लेकिन हम उन्हें तैयार ऐसे करके कि वहां वो जाके वो ये जो तीसरे दर्जे की जॉब है वो ना करें तो क्या हम उन्हें तैयार कर रहे हैं सुनो मेरी बात <laughs> एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम बहुत असान गुलामी में रहे हमें जो तैयार किया गया था जहनी तौर पर हमें तैयार किया गया था टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बाबू बनाने के लिए फाइल मैनेजमेंट हमें आती थी हमें उनको जो ना पेश करना आता था, था कि खाना ऐसे पेश करना है आपने साहब आएंगे साहब का हमें सिखाया गया जी, तो जो लकड़ी से काम करना है लोहे से काम करना है मिट्टी से काम करना है प्लास्टिक से काम करना है हमें इससे बताया गया था कि ये थर्ड क्लास लोगों का काम है बिल्कुल ये जो टेल आपके टेलर होता है ये भी थर्ड क्लास बंदा होता है जो बार भी थर्ड क्लास बंदा हालांकि ये पैकंपराना काम है बिल्कुल तो जो जिस चीज में हमें आगे निकलने की जरूरत है बच्चों में और अपने आप में ये जहन में डालने की जरूरत है कि जो हाथ से काम करने वाला है वो अजीम इंसान हो है। है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चा है वो ये पढ़ जाएगा उसके बाद ये इसको ग्रेड सेवनटीन मिलेगा सफेद तौलिया पीछे होगा बैल मालेगी इससे कौमें तरक्की नहीं करती कौम कैसे तरक्की करती है कौमें तरक्की करती है कारोबार से तजारत से तजारत कैसे आती है जब उन्हें स्किल्स सिखाते हैं अब वो जो स्केल है ना पहले तो हमारे जो आठवीं नवी क्लास के जो बच्चे हैं मैं कहता हूँ इनको भी रिजक कमाना आ जाना चाहिए दुनिया बदल चुकी हुई है बिल्कुल अब फोर्टीन ईयर के बाद नहीं अब फर्स्ट ईयर का बच्चा जो है उसको भी फ्री लांसिंग आनी चाहिए मसलन आप पूछेंगे इस्लामिक स्टडीज वाले क्या कहेंगे इस्लामिक स्टडीज वालों का तो बड़ा फील्ड है ऑनलाइन एजुकेशन है हैं ये जो हलाल फूड है उसकी कोई किसी को हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग ही नहीं दे रहा ये मेरे दोस्त बात कर रहे करते फिजिक्स की केमिस्ट्री की इसमें क्या जॉब नहीं है इसमें क्या कंपनी नहीं है बिल्कुल है बात यह है कि हमारे जहन से जो गुलामी वाली चीजें वो खत्म करके कि हर पेशा मुकदस पेशा है बिल्कुल सही और दूसरी बात नहीं एक इंपॉर्टेंट चीज ये है एथिक्स कौमे और खानदान और इंसान एथिक्स से जाता है जब आपकी वैल्यूज होती है हुँ. तो और वैल्यूज आती कहां से वैल्यू आती है पेरेंट्स से और टीचर से टीचर जब टीचर को देखते हैं फेयर है

देखिए हमने दुनिया के साथ चलना पड़ेगा हमें वरना हम... और एक और बात मैं यहाँ पर अभी ऐड करना चाहती बिफोर इट स्किप्स फ्रॉम माइंड कि हमारे जो वालदे हैं वो कहते हैं मेरा बेटा जो या मेरी बेटी बड़े होकर जो है वो अफसर बनेंगे तो ये वाला जो माइंड सेट है ये कब तब्दील होगा कैसे तब्दील करना है क्योंकि वो अभी वही बात आ गई ना कि हर पेशा जो भी <coughs> है वो अजीम है बिल्कुल ये अभी जो शुरू में आपने बात की ना कि काउंसलिंग की हमें पेरेंट लेवल पे भी जरूरत है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता और जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है इस चीज को कंसीडर करना समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज फॉर एग्जांपल हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं हमें कंटिन्यूसली इवन एवरी ईयर वी नीड टू चेंज द करिकुलम वी नीड टू अपडेट द करिकुलम वी नीड टू अपडेट दी काइंड ऑफ द सिस्टम तो इसलिए एक चीज यह समझना दूसरी जो चीज़ करियर uh, काउंसिलिंग का आपने डॉक्टर साहब से सवाल किया था मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जैसे यूनिवर्सिटी में एक डेस्क आपने कहा मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी में अगर वो चार साल के लिए आया है ना तो उन चार सालों में भी मुसलसल हमारा एक रोल बनता है, है। उसकी मिसाल मैं दूंगा आज दुनिया में सबसे बड़ा जो बिजनेस और टेक्नोलॉजी का हब है वो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है और सिलिकॉन वैली की बुनियाद स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर फ्रेडरिक ने इस तरह से रखी कि उनके दो इंजीनियर के बच्चे डिग्री लेके वापस जा रहे थे उसने उनको कहा कि भाई डिग्री लेके जॉब ना ढूंढो जो कुछ सीखा है उससे कुछ ना कुछ बना लो एक छोटा सा कोई सेटअप बना लो उसने उनको मजबूर किया और वो दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ द सिलीकॉन वैली जहां आज एप्पल सैमसंग सब दुनिया भर के जो हेडक्वार्टर्स है वो सब वहां पे है और जिसके पास जो नौजवान आजकल नया आइडिया रखता है उसको कहते हैं कि आप सिलिकॉन वैली में पहुंचो वहां इन्वेस्टर बैठे हुए हैं आपके आइडिया के मुताबिक आपको बिजनेस सेटअप करके देंगे तो हमारा जो रोल है इवन यानी डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है टीचर्स का जो एक्सपोजर है वो बच्चा जो है ना वो हमसे कुछ साल पीछे है कुछ मामला में हमसे आगे भी होता है जो आज की टेक्नोलॉजी है लेकिन जो एक्सपीरियंस है बहरहाल उसके मुताबिक हमें उसको डील करना पड़ेगा और उसको दुनिया के मुताबिक दुनिया के मुताबिक दूसरा चलने के लिए हमारा हमारा जो ओवरऑल जो हमारा समाज है हमारा कोई भी इदारा है वो इसी सोसाइटी का हिस्सा है हम एक इदारे को एक्सक्लूसिवली बेहतर शायद ना बना सकें हमारे पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी इस वक्त दुनिया की टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है एशिया की टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ में हमारी दो यूनिवर्सिटीज़ नस्क और कैद अजम यूनिवर्सिटी आती हैं लेकिन दुनिया में हम अभी बहुत पीछे हैं तो हमें हम इसलिए पीछे हैं कि ओवरऑल हमारी जो सोसाइटी में हर जो लेवल है वही हमारे इदारों का लेवल है हमें ओवरऑल बहुत सारी चीजों की जरूरत है जिसमें सबसे बड़ी चीज अभी जो वैल्यूज की डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि विजन आपका होना चाहिए आपके वैल्यू आपका आपका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो है करेक्टर एथिक्स की डॉक्टर साहब ने बात जी, की तो वो पर्सनल लेवल पे सोसाइटी लेवल पे और हर लेवल पे जैसे टीचर का क्लास में आना टाइम पे आना सही पढ़ाना दयानदारी से पढ़ाना अपने आप को अपग्रेड करना अगर गवर्नमेंट लेवल पे जाएं एक यूनिवर्सिटी उस वक्त अच्छी होगी जब आप कंपिटेंट और ट्रांसपेरेंट वे से आपने कंपिटेंट और टैलेंटेड वाइस चांसलर अपॉइंट करने बिल्कुल हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बाज कई कई महीने गुजर जाते हैं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं, नहीं होता या एक्टिंग वाइस चांसलर होता है तो दैट इज समथिंग जो गवर्नमेंट सेक्टर साइड पे एक जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े इदारे जिनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो मुस्तकबिल का हमारा मुस्तबिल तैयार कर रहे हैं तो उसको सबसे जो लीडर है उसका बड़ा रोल है सबसे ज्यादा रोल है एक टीचर मैं एक क्लास में टीचर हूं मैं एक क्लास पढ़ा लू बेहतरीन पढ़ा लूं लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सिटी के हालात अच्छे नहीं है तो वो एक अच्छा नहीं होगा दूसरे नंबर पे हमें हम सब अपने यूथ में जो क्योंकि हमारी बड़ी पॉपुलेशन है बड़ी टैलेंटेड यूथ है हमारी उनके अंदर एक होप हमें पैदा करना होगा वो मायूसी छोड़ दें वो ये जो जो भागना के बाहर जा रहे हैं हम यहां के हालात से तंग हो गए हैं कि हमें इन्हीं अपने हालात को खुद बेहतर करना है और और हमें अपने अंदर एक होप हमेशा अलाइव रखना है और तब जाके हम बेहतर ठीक है जावेद साहब मायूस नहीं होना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे एक अगला सवाल मेरा जनरेट होता है कि जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट हमारे समाज में हमारे माशरे में परसिस्ट कर रही है आप क्या समझते हैं कि

सबसे पहले इस माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है ये जो ये जो डिबेट है ना कि लोगों को बाहर जाना है या यहां रहना ये डिबेट आज से नहीं है वेन आई वॉज स्टडी इन कॉलेज इवन एट दैट टाइम दिस डिबेट वॉज गोइंग ऑन कि हमें बाहर जाना चाहिए बाहर फ्यूचर ज्यादा है मैं अलहमदिल्ला प्रो पाकिस्तानी था प्रो पाकिस्तानी हूँ मैं उस टाइम बींग ए स्टूडेंट कहता था कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है मैंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है नहीं है तो भी क्रिएट करनी है मैं मेरे जब मैंने ये फैसला किया अपने टीचर से इंस्पायर होकर एक टीचर बनना है आगे जाके मेरा बिग ड्रीम हुआ कि मैंने स्कूलिंग स्कूल सिस्टम बनाना है वहाँ पे टीचर्स को लेना है टीचर्स को ट्रेन करना है उनको ऐसा टीचर बनाना है करेक्टर बिल्डर बने वो बच्चों को फ्यूचर मेकर बने डॉक्टर मेकर बने इंजीनियर मेकर बने तो उस टाइम लोग मेरे ऊपर हंसते थे वो कहते थे ये कोई ड्रीम है ये कोई पैशन है तो बाई दाइटी में जब एम बी ए करने के बाद निकला तो मेरे बहुत से दोस्त यूके चले गए अमेरिका चले गए दुबई चले गए वो तो जाके सेटल्ड हो गए ठीक है और वो मेरे तमाम दोस्त मुझे पता क्या कहते हैं मुझे कहते हैं जावेद साहब पाकिस्तान आपका दुबई भी है पाकिस्तान आपका यूके भी है पाकिस्तान आपका अमेरिका भी है मीन टू से कि पाकिस्तान आपको हर वो चीज देने के लिए तैयार है अगर हम पाकिस्तान को कुछ देने के लिए तैयार हैं तो हम पाकिस्तान को कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं और पाकिस्तान से एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं मैं अपने बच्चों की सोच बनाने की कोशिश करता हूँ कि हमने पाकिस्तान को देना है लेना नहीं है उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजे नवाजेगा हम अपने उन फ्रेंड की जो फ्रस्ट्रेटेड है जिनका माइंड सेट ये है कि बाहर जाना है उनको कहीं यहीं पर ऑपरचुनिटीज क्रिएट की जाए और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर देम कोरोना आया तो कोरोना और कोविड के दौरान बहुत तमाम कंपनीज को अब बहरान था क्राइसिस में थे डाउन साइजिंग हो रही थी तो स्कूल वालों के ऊपर ही बहरान था क्राइसिस हाँ थे मैंने अपनी टीम से कमिटमेंट की कि इस इस बहरान क्राइसिस के दौरान हम एक भी पर्सन को टर्मिनेट नहीं करेंगे डाउन साइजिंग नहीं करेंगे हम गुड बाय नहीं कहेंगे अच्छा मैंने क्या टीम से कहा कि अब इसको लेना कैसे है मैंने कहा इस थ्रेट को कन्वर्ट करे इन एन अपॉर्चुनिटी अच्छा सवाल किया गया कैसे मैं के हम अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करते हुए डबल टाइम हमने ऑनलाइन क्लासेस चलाई मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, भी। वजह क्या थी कि घर में डिवाइस चार चार नहीं है चार बच्चे चार डिवाइस नहीं है दो बच्चे दो डिवाइसिस नहीं है हमने मॉर्निंग में भी क्लासेज ली इवनिंग में भी क्लासेज ली और वो दो साल का जो कोरोना का पीरियड था उसने हमें मुल्तान का लीडर बना दिया Great. लोगों ने कहा कि लोग पढ़ा नहीं रहे, हाँ, ये, पढ़ा रहे ये पढ़ा रहे हैं मैं सिर्फ बात ये अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ हर, हर थ्रेड के अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे अपॉर्चुनिटी लेते हैं ये थ्रेड लेते हैं एक शख्स उसे अपॉर्चुनिटी ले रहा है दूसरा शख्स उसको थ्रेड ले रहा है

जो अच्छे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े बच्चे हैं एमबी डॉक्टर बने हैं वो फ्री नहीं है वो जॉब पर भी है अपन, अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जॉब ही सब कुछ क्यों है ठीक है सर यहाँ पर एक, एक डॉक्टर और और हाँ। अपनी प्रैक्टिस को बात करें हम मैं इसमें ये बात हम यूटोपिया बना लेते हैं इतने लोग जो है ना जॉब ले से आ गए किसने सर्वे किया है और ये जो इंटरनेशनल भी आ रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे होता है ऐसे होता है ये किसने सर्वे किया है कहाँ से ये जो देटा देटा आ है ना वो डेटा देखो बात ये है कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ने नंबर वन नहीं पैदा किया अल्लाह ने पैदा किया नंबर वन बनने के लिए पैदा किया और वो बन भी सकता है बात यह है कि वो जो शाइनेस है ना वो दूर करने की जरूरत है आप डॉक्टर की बात करते वो क्लिनिक नहीं खोल सकता वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो दु, वो तो ड्यूरिंग जॉब भी जो है ना वो हाउ जॉब करता था वहीं से उसको जो है ना पता चलता मैंने ऐसे काम करना है बात जब हम एक जहन बना लेते हैं ना एनजाइटी कैसे आती है ऐसे होगा तो ठीक है क्यों ऐसे होगा मैं बताता हूँ मेरी बेटी है उसकी जो है ना मैंने यहां बावलपुर गए थे तो हम वापस आए तो well, थे उसने कहा पापा आई गट द जॉब मैंने कहा हाउ यू गट द जॉब यू आर जस्ट ए स्टूडेंट उसने कहा दे वेबसाइट दे ऑफर द जॉब्स टू द यंगस्टर्स उन्होंने क्या करना है उनकी जो है ना वीडियोज होती हैं और वो उसको कहते हैं इसको को ट्रांसक्राइब कर दे वो डिफरेंट लैंग्वेजेज में ठीक है तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया और फिर वो उन्होंने आधे घंटे में मेरा टेस्ट लिया और भावलपुर से शुरू किया जब मैं मुल्तान पहुंची हूं तो मुझे उन्होंने जॉब ऑफर कर दी शी इज जस्ट डूइंग ए सी सी ए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज है एक जो है ना वो दोस्त ने बताया कि उसने कि हम फ्लैट्स में रहते हैं तो मेरी अम्मी ने क्या किया कि सबके जो है ना वो व्हाट्सएप लिए हुए हैं तो उन्हें मैसेज करती है कि आज मैंने दाल पकानी है जि, जिस जिसको चाहिए मुझे बता दे हाँ। तो उसको पचास लोग जो हैं वो कह देते हैं कि मुझे भी एक प्लेट दे दो जी। तो वो क्या करती है कि पचास लोगों के लिए दाल बना के मुलाजम को कहते जाके वो भेज देते हैं एम्प्रेस मार्केट कराची से बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ कि सारे बिल जमा कराने जाते थे एक बंदे ने सोचा यार सारे बंदे जा रहे हैं अपने अपने मुलाजम को भेजते हैं उनकी दिहाड़ी भी देते हैं आप ऐसे करें मुझे सारे बिल दे दें और साथ दस रुपए दे दें अरे दफा उसने सौ रुपया ले लिया तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और जो रिजक कमाने के बजू हर एक के पास है कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास नहीं है इस प्रेजिडेंट से लेके कर प्रेजिडेंट अलवी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में हमारा आई का मिनिस्टर है उसके प्रोग्राम में पंजाब आईटी बोर्ड के ई रोजगार प्रोग्राम है नेवटेक वालों का है टैवटा का है वो कौन सा इदारा है जहाँ पर आपको रिजक कमाने के प्रोग्राम नहीं है वो हर जगह पे है अब आप अब हाँ। आप पूछेंगे सर आते कहाँ से आते ये हैं कि आप अपनी कंपनी वो बनाए ना अपने पीयर्स वो बनाए और माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि आप जनरेशन गैप हाँ। है हजरत अली रजी त कौल है कि बच्चों को अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करें अब वो आजकल अगर वो व्हाट्सएप वो पे है फेसबुक पे तो वो बेहयाई नहीं कर रहा ना वो ऐसे कर रही है उसका काम है उसने यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करना है उसने सारी अपनी लैब असाइनमेंट करनी है उसने सारा कुछ देना है तो वो जो एक जनरेशन गैप है वो बहुत ज्यादा है और वो अवेयरनेस इस तरह के इस तरह प्रोग्राम करना है इस तरह के होने चाहिए उनको ये चाहिए कि वो ट्रस्ट करें ट्रस्ट करें मेरे दोस्त बैठे हुए हैं हाँ। इनसे भी पूछ लो हमारे स्टूडेंट हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो हमसे ज्यादा जो है ना वो फॉरवर्ड लुकिंग है पॉजिटिव हमें उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और हमारी कौन ने एक बात बड़ी जरूरी सुनी इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल प्रापोगंडा चल रहा है ये नलायक है ये बेईमान है ये तो कुछ कर ही नहीं सकता हाँ। और ये सारा फॉरेन फंडेड है और हमारी कौम को तबाह करने के लिए किसी कौन या खानदान को शख्स को तबाह करना हो तो इतना तो को है इसके वाले से भी आप क्या कहेंगे और कितना इक्विप्ड होना कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी बताइएगा देखिए हमें यही तो एस्टिमेट करना होता है कि हमें क्या क्या कुछ चाहिए और दूसरी बात ये कि हमें क्या करना है क्या बनना है मैं अभी रास्ते में आ रहा था भौलपुर से कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस के यूनिवर्सिटी या कॉलेज बच्चा क्यों जाता है यानी अगर एक uh, एक मोटरसाइकिल वाले रिक्शे पे बंदा लेबर कर रहा था जी। मैंने कहा दैट इज नॉट ए बैड जॉब बट अगर वो यहां से स्टार्ट करके साठ साल की उम्र तक भी यही करता है दिस इज बैड ठीक है ना वट वी नीड टू नो कि हमने प्रोग्रेस करना है यानी इदारों का काम है कि हर लेबर इज गुड एवरी लेबर इज गुड और मैंने अभी जो चंद मिसालें आपको दी दुनिया की जो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई उनकी आप प्रोफाइल पढ़ें उन्होंने भी लेबर वर्क किया दैट्स नॉट बैड लेकिन आप अपनी जिंदगी में अपने हालात की बेहतरी के लिए जैसे मुल्क के लिए हम सब हम की एक, एक, एक इजतमाही जिम्मेदारी है इंडिविजुअल लेवल पे हमारी जिम्मेदारी है हम डॉक्टर साहब जावेद साहब ने अपनी कहानी सुनाई मुश्किल हालात में रमजान साहब की स्टोरी आप अगर सुनेंगे तो हम सब ने बड़ी चैलेंजेस देखी आई स्टार्टेड स्कूलिंग फ्रॉम बलोचिस्तान पंजाब बॉर्डर साहब ने एक एग्जाम्पल दी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चा हर बच्चा ये कहता है कि हमने जी आई टी में जाना है आई टी इज ए गुड टूल बट दैट कैन बी यूटिलाइज एवरीवेयर आप फिजिसिस्ट है आप केमिस्ट है आप इवन डॉक्टर हैं आपने सवाल किया था कि मेडिकल के और कौन से शौक भी हैं मेडिकल में दुनिया में इतनी ज्यादा रिसर्च हो रही है यानी बायो इंजीनियरिंग और टिश्यू इंजीनियरिंग ये है कि हम टिश्यू लेवल पर जाके इंजीनियरिंग करें एक डैमेज टिश्यू को खराब टिश्यू को या कैंसर के टिश्यू को उठा के निकाल के उसकी जगह सही सलामत टिश्यू रिप्लेस कर दे दिस इज इंजीनियरिंग टिश्यू लेवल इलेक्ट्रोमेडिकल इंजीनियरिंग तो और इसके अलावा ऑनलाइन सर्जरी हाँ। दूर तक और फिर इस तरह के इक्विपमेंट बनाना तो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज हाँ। लेकिन मसला ये है कि जो ईज लविंग है जैसे आप, आपका सवाल जावेद साहब था कि डॉक्टर है और जॉबलेस है

अपना क्लिनिक है वट दो पेशेंट आ रहे हैं बट यू कीप ऑन डूइंग दैट कंसिस्टेंटली सो ये ओवरऑल अवेयरनेस है कि हम उनको यानी ये सोसाइटी उनको ये बताए इदारे उनको ये बताए पेरेंट्स उनको ये बताए कि जिंदगी का सफ़र इस तरह से है ऐसा नहीं है कि सुबह आप उठें तो हालात एकदम खुद से चेंज हो गए हालात अपने बदलने पड़ते हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए बर्दाश्त करना पड़ता है, है उसके लिए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हाँ। आपको क्रिएट करनी पड़ती है मुश्किल से अभी कोरोना आप की आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने हालात बदलने पड़ते हैं लेकिन वो इदारे जो इक्विपमेंट प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ इक्विप्ड नहीं है और जहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन वाला भी कॉन्सेप्ट हम बात कर ही रहे हैं उसके बारे में आप क्या क्या आप बात कर देखो ये हम भी यहाँ बैठे हुए हैं आपने भी देखा होगा अपॉर्चुनिटीज सबके लिए एक जैसी होती है देखिए कुछ होते हैं जो उसे फायदा उठा लेते हैं आप हम क्या पढ़े हुए हैं ये मैंने हम नाम को कहानी अपनी बताई नहीं बताते हैं तो आपने रोना शुरू कर देना कितनी मुश्किल से कि एक किताब जो है वो आधी कीमत पर खरीदते थे एक उससे भी आगे आधी कीमत पर खरीदते वो फटी किताबें पढ़ के हम पढ़ के हैं बात यह है कि क्लास में बच्चे होते हैं जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो जाके टीचर से भी पूछते हैं वो यहाँ लैब नहीं तो उधर जाके कर लेते हैं वो हाथ वो काम करना शुरू कर देते हैं वो आगे निकल जाते हैं तो जो इदारा होता है वो सबको इक्व अपॉर्चुनिटी देता है लेकिन कुछ उसमें ऐसे होते हैं जो कि मेहनत करके कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करके ऑनेस्ट होके वो आगे निकल जाते हैं ऑनेस्ट होना अपने आप के साथ कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ कि मैंने क्या करना है मैंने अल्लाह को जवाब देना है कि अल्लाह ने मुझे भेजा है पेरेंट्स ने मेरी जो है ना वो तरबीत की है मैंने उनको जो है ना वो वापस करना है अपनी मैंने फैमिली जो है ना वो डेवलप करनी है और उसके बाद जो आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं देखो यूनिवर्सिटियां जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं हमें जो इस चीज से भी निकलना है कि हम जब किसी स्टेटमेंट को देते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं तो उसका कोई उसके पीछे टेंजेबल डाटा होना चाहिए जो कि नहीं होता अब आपका मीडिया है ये आपका जो टीवी स्टेशन है ये डिजिटल टीवी में अब तक इसको बदल जाना चाहिए था बदला क्यों नहीं है तो बदलना चाहिए हमें बेबी स्टेप्स जी बेबी mm. स्टेप नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे दोस्त अब इंक्रीमेंटल चेंजेस से दुनिया बदलेगी अब पैराडाइम शिफ्ट लेना बात फिर सिस्टम पे आ गई ना पैराडाइम शिफ्ट लेना पड़ेगा yeah. पैराडाइम शिफ्ट हर बंदे की जिम्मेदारी है मुझे मेरी जिम्मेदारी की मैं अपने हिस्से का दिया जलाऊ बिल्कुल डोंदर्स इनका काम है अपने हिस्से का दिया जलाए और हम जला रहे हैं और पाकिस्तान में बहुत अच्छा हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जो माइक्रो फाइनेंस का प्रोग्राम है कर्ज हसना का वो पाकिस्तान में है दुनिया की सबसे ज्यादा जो चैरिटी होती है वो पाकिस्तान में होती है सबसे जुकात भी हमारे मुल्क में दी जाती है और सब ज्यादा टैलेंटेड भी हमारे बच्चे हैं बच्चे हैं जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये ना कहें कि हमारे मुल्क में नहीं है हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे बच्चे बच्चे जो है ना वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं प्रैक्टिकल में भी और जहां जहां बहुत सी इनोवेशन हुई है

एम सेट करना होगा बिग एम बिग एम के साथ फ्रेंडशिप करनी होगी सेकंड पॉइंट यू कैन डू यू कैन डू इस पे बिलीव करना होगा थर्ड टेक द इनिशिएटिव फोर्थ डू द हार्ड वर्क नंबर फिफ्थ क्या है एक्सेप्ट द चैलेंजेस चैलेंजेस आएंगे उन्हें कबूल करना होगा नेक्स्ट hmm. क्या है कौकर द लिमिट्स में कैपैसिटी जोन से बाहर आके कपैसिटी बिल्डिंग पर यकीन रखें नंबर सेवन क्या है बी इनोवेटिव आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा

अच्छे ड्रीम के साथ दोस्ती कर लें और फिर तो यकीन रखें यू कैन डू इट और स्टार्ट कर दें जी बहुत शुक्रिया बुजार साहब आज की डिस्कशन हम कंक्लूड करते हैं आपके आखिरी पैगाम के साथ क्या पैगाम देना चाहेंगे uh, मैं इसी को एक्सटेंड करूंगा डॉक्टर साहब जावेद साहब ने बड़ी दस पॉइंट बताए हैं मैं दो तीन इसमें पॉइंट करूंगा uh, पहली बात यह कि डिफरेंस आई हैव सीन ग्लोबली एंड द यूथ ऑफ पाकिस्तान वी आर मोर टैलेंटेड एज डॉक्टर साहब एट लेकिन द डिफरेंस इज वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान है सो वी शुड हैव अ है हमारे पास अग हम हम हर बच्चा सोचे कि मैं अगले पाँच साल के बाद अपने कहाँ अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ दस साल बाद पंद्रह साल बाद बीस साल बाद और फिर उसके बाद वो कहे कि यहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ेगा उसी तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले तो तब जाके वहाँ पहुँचेगा दूसरे नंबर पर जो मुश्किल हालात है वो हमेशा आते हैं और मुश्किल हालात ही असल में हमें बनाते हैं।, हैं बिल्कुल सही। वो जो एक शेरता के हुई है जब से मुखालिफ आवाज मुखालने की मुझे भी जिद सी हुई है दिया जलाने की ये जो जिद है हो, ना हो, हो। ये जो स्किल से भी ज्यादा वो कहते हैं ना कि मोहम्मद अली बॉक्सर जब लड़ते लड़ते गिर गया तो उसने कहा स्किल ने तो मुझे गिरा दिया लेकिन मेरी जिद ने मुझे फिर उठा दिया मैं वहां से फिर उठ गया हूँ तो वो एक जिद आपको चाहिए एक डेस्पिरेशन चाहिए एक कमिटमेंट चाहिए और एक प्लानिंग और वे में आप जाएंगे। मैंने एक शेर नहीं सुनाया एक रुबाई है एक बाल की जी प्लीज, प्लीज, तो प्लीज. मायूस इंसान जो है ना वो चूंटी की तरह सोचता है वो कहती है मैं पाए मालो खारो परेशानो दर्द मंद तेरा मुकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद अल्लाह ताला ने तुम्हें तो बड़ा वो मकाम दे दिया मुझे तो छोटी सी बना के इधर बैठी ये बेसिकली मायूस इंसान है जो हर वक्त दूसरों के इनकी जावेद साहब की दूसरी की गाड़ियों के बारे में सोचेगा नहीं ये तो सारे रिश्ते उकाब so, like, अच्छा, हाँ। क्या कहते हैं कहता है तू रिस्क अपना ढूंढती है खाके राह में मैं नौ से पहर को नहीं लाता निगाह में तेरी मंजिल ही खाक है तू नेगेटिव सोच रखती है मैं जब सूरज आबो ताब के चमक रहा होता है मेरी निगाहें उससे भी आगे होती है ऊपर ना दरख्त होता है ना ऊपर पानी होता है ना इंपॉर्टेंट्लीट तो yes, हाँ, कर रहा था मोटिवेशन की बात है कि से जिसने जॉब की और पहली सैलरी मिली कोई पंद्रह बीस हजार वो किसी फाइव स्टार होटल में जाके चाय पियाया किसी ने कहा आपने इतनी महंगी चाय क्यों पिया अपने पैसे अपने यहाँ क्यों बर्बाद किए उसने कहा मैं जो रोजाना जहां तीस पचास रुपए वाली चाय के लोगों के साथ बैठता हूँ ना वहां से मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलती मैं वहां जाके बैठा तो इर्द गिर्द लोगों के आइडियाज सुनता रहा तो वो मुझे बड़े बड़े खाब वहां देखने को मिले बहुत तो आपकी कंपनी आपके लोग इर्द गिर्द के लोग और वहां जाए वहां जाए जहां आपको उठाने वाले लोग मौजूद बिल्कुल सही थैंक यू सो मच लास्ट को गो देर वेयर योर एनर्जी इज सेलिब्रेटेड रेसिप्रोकेटेड बहुत शुक्रिया डॉक्टर <laughs> साहब आपका बहुत जावेद इकबाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपका भी हार्ड uh, इस टाइम में जहाँ आपके अपने भी कमिटमेंट होती हैं उसके लिए आपने वक्त निकाला उम्मीद है कि जो लोग हमारा प्रोग्राम जिन्होंने आज देखा है आपके लिए आज की डिस्कशन काफी मुफीद रही होगी क्यूँकि हमने बात की है आज अपने समाजी तरक्की में ताली निज़ाम की हमारे एजुकेशन सिस्टम की उसका क्या किरदार है कौन से मसाइल हैं और उनके सोल्यूशन पर हमने आज बात की है आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी नए मौजूद के साथ नए मेहमानों के साथ नए चेहरों के साथ तब तक पहुंच भी नाबिज को इजाजत दीजिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज